प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में होने वाले शपथ समारोह में जल्दी ही कुछ विदेशी चीफ गेस्ट को बुलाया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों के शीर्ष नेताओं को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मीडिया विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है और विक्रमसिंघे ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बात हुई। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि बातचीत में मोदी ने हसीना को भी शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। मोदी की नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी बातचीत हुई और उन्होंने औपचारिक निमंत्रण गुरुवार को भेजा जा सकता है। खास बात यह है कि 2014 में मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेता मौजूद थे, जबकि 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में बिस्मटेक देशों के नेता भी शामिल हुए थे।